शहडोल जिले के अंतर्गत कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां आज भी लोग गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। शहडोल जिले के जनपद बुढ़ार अंतर्गत ग्राम पंचायत जमगांव के ग्राम शांति नगर में आज भी लोग गंदे पानी पीने के लिए मजबूर हैं। कोई भी मूलभूत सुविधाएं गाँव वालों को नहीं मिल रही, जहाँ प्रदेश सरकार पंचायतों को ग्रामीण कार्यों के लिए न जाने कितने रुपये हित कार्य के लिए देती है, लेकिन भ्रष्ट पंचायत कर्मियों के कारण वह हित कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। यहाँ शांतिनगर की निवासी आज भी गंदे तालाब के पानी पीने के लिए मजबूर है, जहाँ सरकार दावा करती है कि हर पंचायतों में नल जल योजना होना अनिवार्य है, लेकिन इस पंचायत का हाल बहुत ही बेहाल है। ना ही गांव में हैंडपंप की सुविधा है और ना ही कोई अन्य सुविधा है। यदि हैंडपंप है भी तो उस हैंडपंप का उपयोग नहीं किया जाता। उपयोग न करने का कारण सिर्फ यह होता है कि उस हैंडपंप से पानी न आना। जहाँ इस कोरोना महामारी ने आम लोगों के जीवन पर ग्रहण लगा दिया था, वहीं सरकार का दावा यह था कि सावधानियां बरतें, लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि शांतिनगर बस्ती के अंदर एक तालाब, जहां उस तालाब में जानवर भी पानी पीने जाते हैं और स्थानीय निवासी भी उसी तालाब में कपड़े भी धोते हैं और सभी उसी पानी का उपयोग भी करते हैं और उसी पानी को पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है, और यदि सोचा जाए तो दूषित पानी पीकर बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। पंचायत कर्मियों की तानाशाही, सचिव की मनमानी आम लोगों के लिए बनी परेशानी। वहीं जब स्थानीय निवासियों ने पंचायत कर्मियों से पानी की समस्या के लिए बात की तो उन्होंने आश्वासन देते हुए टाल दिया। शांतिनगर में स्वच्छ पानी पीने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं और तालाब के पानी से वहाँ के स्थानीय निवासी जीवन यापन कर रहे हैं। जहाँ इस बदलती दुनिया में हर चीज बदलाव की ओर अग्रसर हो रही है, लेकिन आज भी जनपद बुढ़ार के अंतर्गत कुछ गाँव बहुत बुरी तरह से बेहाल पड़े हुए हैं और प्रदेश सरकार के पैसों का दुरुपयोग जमकर हो रहा है, लेकिन ग्रामीण कितने पैसे का उपयोग कर पा रहे हैं ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि इन पैसे से ग्रामीणों को कोई भी उपयोग नहीं हो पा रहा है, ना ही उनको कोई लाभ मिल पा रहा है। संवाददाता शहडोल से ब्रिजेश शर्मा की खबर। क्या नाम है आपका? सत्यम सिंह। आपका क्या नाम है? कोमलदास। आपका क्या नाम है? क्या मामला है आपका? ग्राम पंचायत है, कौन सा ग्राम पंचायत है, कहाँ के रहने वाले निवासी हैं आप? ग्राम पंचायत जमगांव है जी, और जमगांव पंचायत में रहते, एक मोहल्ला का नाम शांति नगर है जी। हमारा क्या है, समस्या यहाँ बहुत काफी है, काफी दिनों से परेशानी है पानी के लिए है। अब पिछले वर्ष देखा जाए, इसी वर्ष देखा जाए तो कोरोना महामारी से हम लोग पीड़ित थे, यहाँ कहीं आने जाने का उसमें व्यवस्था नहीं थी, मतलब घर से निकल नहीं पा रहे थे है। अब आज ये समस्या आया है पानी का, और पानी बच्चे लोग एकदम गंदा पानी पी रहे हैं, उस पानी को कपड़े धोएं या नहाएं, ये तो पिए क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। इस बात को आप सरपंच को जानकारी दिए थे क्या? जानकारी दी है तो पिछले वर्ष वो करवाए थे हैंडपंप में, डलवाए थे कम से कम 2-3 पाइप, यहाँ पे पानी का उपलब्ध नहीं है, शायद नीचे तक तो नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्या? तो सरपंच से फिर कुछ दोबारा चर्चा हुआ कि हमको पानी चाहिए अभी वर्तमान में, एक आध दो दिन पहले, या फोन से भी कॉन्टेक्ट किए होंगे? तो फोन से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, खुद स्वयं जाके बात कर रहे हैं, पानी के जुगाड़े नहीं बना रहे हैं, मतलब काफी दिक्कतों को सामना पड़ रहा है। दिक्कत यहाँ काफी दिक्कत है, क्या करें? क्या है कि ये गंदा पानी पी पी के हम लोग परेशान है, इसका जवाबदारी प्रशासन शासन होगा, बीमार पड़ेंगे तो हम कुछ नहीं जानते हैं। कितने घर के हम लोग हैं यहाँ? कम से कम 15 घर करीब है, वर्तमान में अभी 15 घर में रह रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। करीबन यहाँ आबादी होगा 50-60 आबादी, मतलब आप लोग को मूलभूत सुविधा का कोई लाभ नहीं मिल रहा है? कोई लाभ नहीं मिल रहा है। बोल रहे हैं कि नल जल का उपयोग होगा, उपलब्ध होगा, यहाँ काफी दिनों से सुन रहे हैं आदर्श ग्राम पंचायत में ये आ रहा है ये जमगांव, लेकिन कोई उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बताइए, 3 साल से हो गया ये जल नल योजना बता रहे हैं, वो अभी तक तो कुछ लाभ ही नहीं मिल पा रहा है।